हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि माइक्रोटेक कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर है EV700। तो आज की वीडियो में हम इस इन्वर्टर को चेक करेंगे, इसे रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। तो चलिए पहले इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि ये आउटपुट निकाल रहा है या फिर नहीं निकाल रहा है। इसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया, देखिए इन्वर्टर ऑन हो गया। और ये मीटर जो आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टर की आउटपुट पर लगा हुआ है, इसका मतलब इन्वर्टर आउटपुट निकाल रहा है। स्विच थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, खैर कोई बात नहीं, स्विच चेंज कर देंगे। बाकी इन्वर्टर अपना आउटपुट निकालने का काम बिल्कुल सही कर रहा है। अब बारी है देखने की ये चार्जिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें इसे मेन लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, इसकी जो मेन लीड है, इसे हम मेन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। इसे हमने मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया है, इसने देखिए मेन भी सेंस कर लिया है। अब देखते हैं चार्जिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि अब बाकी जितने सेक्शन थे, चेंज ओवर, मेन्स, आउटपुट वगैरह, वो तो सबसे ही काम करता है। बाकी केवल चार्जिंग बाकी रह गई है। तो देखते हैं चार्जिंग का क्या ऑप्शन रहता है, चार्जिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखिए फिलहाल अभी ये चार्जिंग नहीं कर रहा है, इतनी देर में चार्जिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि इसमें चार्जिंग का फॉल्ट है, हमारा ये इन्वर्टर चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो इसे चेक करते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वीडियो है, देखकर आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे बिना कोई पार्ट चेंज किए, बिना आयरन का यूज किए, हम इस इन्वर्टर को रिपेयर करेंगे और बिल्कुल नए तरीके से रिपेयर करेंगे। देखकर आपको अच्छा लगेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं इसके अंदर से इसी किट वगैरह की क्या पोजिशन है। ये देखिए इसी किट अंदर से आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए काफ़ी धूल वगैरह, काफ़ी डस्ट वगैरह इस पर जमी हुई है। और इसके अलावा इसका चार्जिंग सेक्शन में एक खास बात आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आपको अच्छे से दिखाते हैं, ये जो आप आईसी दिखाई पड़ रही है आपको, तो इस पर आपको ये थोड़ा एसिड दिखाई पड़ रहा होगा, एसिड या फिर पानी वगैरह चला जाता तब भी ऐसा होता है चार्जिंग सेक्शन में इसके। तो ये काफ़ी गंदगी जमा है इसमें, तो जिसकी वजह से चार्जिंग में दिक्कत आ रही है। तो पहले हम इसकी किट बाहर निकालते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से दिखाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको बताएंगे किस तरीके से हम इस फॉल्ट को रिमूव करेंगे। तो चलिए इसे पहले किट को खोल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं इसके कैसे रिपेयर किया जाएगा और इसमें फॉल्ट क्या है। देखिए किट हमने बाहर निकाल ली है, सबसे पहले हम इस किट की सफाई करेंगे और उसके बाद में देखिए आपको चार्जिंग सेक्शन दिखा दे। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी पानी वगैरह जमा हुआ मालूम पड़ रहा है, जैसे पानी वगैरह इसके अंदर किट के अंदर गया होगा। तो ये इसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट होता है और इन्वर्टर हमारा सही से काम नहीं कर पाता है। तो पहले हम इसे अच्छे से किसी थिनर वगैरह से या मिट्टी के तेल से या फिर पेट्रोल वगैरह से किसी से भी साफ कर लेंगे। देखिए किट पर से हमारी डस्ट बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब हमें केवल इस पोर्शन पर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गंदगी जमा है, इसे हमें किसी थिनर से, केरोसिन से या पेट्रोल वगैरह से साफ करना है। साफ करने के बाद हम इसे चेक करेंगे, हो सकता है फॉल्ट हमारा पूरा रिमूव हो जाए, हमें कोई पार्ट चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए अब इसे भी साफ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये किट हमारी बिल्कुल साफ हो चुकी है, सारी डस्ट वगैरह था या गंदगी थी सब साफ हो चुकी है। अब हम इसे दोबारा से इन्वर्टर में फिट कर देते हैं, चेक करते हैं कि इन्वर्टर हमारा कैसा काम कर रहा है। उम्मीद है कि इन्वर्टर अच्छा काम करेगा और उसका फॉल्ट रिमूव हो चुका होगा और हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की या फिर आयरन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे दोबारा से इन्वर्टर में
इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इसे चेक करते हैं। देखिए इन्वर्टर के अंदर ये किट हमने इंस्टॉल कर ली है, अब इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा इन्वर्टर अब वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये देखिए इसने आउटपुट निकालना शुरू कर दिया। अब हम इसे मेन लाइन देते हैं, देखिए मेन लाइन हमने इसमें दे दी है, मेन लाइन इसे सेंस कर दिए। अब देखिए इसमें चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है, पहले चार्जिंग स्टार्ट नहीं थी इसमें, अब चार्जिंग भी इसमें स्टार्ट हो गई है। इस तरह से दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस रहा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।